मेरा इंस्टा बंद है, 45% बने थे। आई बोल आई एम आई एम हाई एवरी वन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्यार से होंगे अपने घर में। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये बार बार नमूना ऐसे उठ के क्यों आ जाता है ना, क्या करें हम, नमूने ऐसे ही प्राणी है, बस ऐसे ही प्राणी है। तो मुझे अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, भूत चढ़ जाता है व्लॉगिंग करने की, आई डोंट नो वाई। आज डेट है 9 तारीख, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने ना 1 तारीख से लगा के, आज 9 तारीख हुई, 1 तारीख से लगा के 9 तारीख तक मैंने कितनी पढ़ाई की आपको पता है? नहीं। आपको पता है? नहीं पता ना। मैं एक दिन में 8 घंटे पढ़ती हूँ, कैन यू बिलीव? नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हो रहा कि मैं 8-8 घंटे पढ़ती हूँ भाई। लेकिन कभी कभी मेरा ये कनेक्शन उड़ जाता है, यानी कि मेरा कॉन्सेंट्रेट जो रहता है वो पता नहीं कहाँ 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 चला जाता है, कहाँ कहाँ कहाँ, वो मुझे भी नहीं पता। तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और आई होप मैं व्लॉगिंग करते रहूँ। और हाँ, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बहुत जने पूछते हैं आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, तो मैं हूँ 12th में और मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं चार मार्च से लेके 1 अप्रैल तक। तब तक मेरा इंस्टा बंद है, मैंने बंद कर दिया है, इंस्टा डीएक्टिवेट कर दिया है। बहुत जने पूछ रहे हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, मैंने ही किया है, बस ऐसे ही किया, अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। क्योंकि मेरे पापा जो है ना, क्या कहते पता है, कि अगर तू अभी पढ़ाई नहीं करेगी तो मैं तुझे कॉलेज नहीं भेजूंगा। अब भाई मैंने सोचा कॉलेज नहीं भेजेंगे तो ग्रेजुएशन कैसे करूंगी मैं। एक बार तो मैंने भी सोचा था कि पढ़ाई, पढ़ लिख के किसका भला हुआ है, बहुत जनों का भला हुआ है, लेकिन मुझे अपना भला नहीं करना पढ़ाई करके। मुझे पढ़ना नहीं पसंद गाइस, ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई पढ़ाई में अच्छा हो, है ना। और मेरा थोबड़ा जो दिख रहा है ना, मैं ये सिर्फ पूरे 24 घंटे में एक ही बार धोती हूँ, वो है सुबह, सुबह ही धोती हूँ बस गाइस मैं अपना थोबड़ा, उसके बाद में मेरा ये हुलिया हो जाता है। तो अभी से मैं आपको सब, अरे लिली, अभी से मैं आपको सब बताऊंगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। करती तो कुछ नहीं हूँ मैं, बस अब मेरा फेयरवेल तो हो गया, लेकिन फिर भी मुझे हाफ डे स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो वो सर कंप्लीट करवा रहे हैं, टीचर्स लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। और स्कूल से आने के बाद मैं खाना वाना खा लेती हूँ, फिर पढ़ाई करने लग जाती हूँ। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ कि आपको पता है मैं 1 तारीख से पहले कितने बजे उठती थी? 8:30। अभी आप गेस कर सकते हो मैं कितने बजे उठती हूँ? 5 बजे। मुझे सदमा लग गया है पढ़ाई का यार, पता नहीं इतना सीरियस कब से होने लग गई मैं, पर ठीक है यार, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, मेरे अंदर विकास हो रहा है, हमारा ये लेसन है, तो मेरे अंदर ये विकास हो रहा है कि जल्दी उठना और पढ़ाई वढ़ाई करना, ये एक अच्छी चीज़ हो रही है मेरे अंदर। और अच्छी बात है, अगर मेरे परसेंटेज अच्छे बन गए तो मेरा कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यार थोड़े परसेंटेज भी तो चाहिए ना। तो और हाँ, एक और चीज़ यार, मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, तुतला रही हूँ मैं। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत जने लोगों ने मेरे को ये भी पूछा है कि आपके 10th में और 11th में क्या परसेंटेज रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे 10th में 45% बने थे बाय ग्रेस, और 11th में भी, आप सोच नहीं सकोगे मैं इतनी ढीट हूँ ना, कि 11th में मेरे 46 बने, 1%, सिर्फ 1% का फ़र्क था। और 11th में भी बाई ग्रेस पास हुई हूँ जी, ताली बजाना मेरे लिए, ताली बजाना अभी मैं, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, ऐसे तरक्की करते रहो। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे 10th और 12th के कंपैरिजन में मार्क्स देखेंगे कि 10th में मेरे 45% बने थे, अब 12th में कितने बनते हैं देखते हैं। उम्मीद तो है, खुद पे इतना तो भरोसा है कि यार बन जाएंगे, 60 अबव तो बन ही जाएंगे शायद, क्या लगता है जी, 60 अबव बनेंगे? जिस हिसाब से पढ़ाई कर रही हूँ मैं,
बन सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। बस मेरा एक ही है कि मतलब मुझे ना सिर्फ क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन से पास होना है, बस मुझे पास होना है। मेरे को परसेंटेज वर्सेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फर्स्ट डिवीजन से अगर मैं पास होंगी तो मुझे कॉलेज में मिल जाएगा एडमिशन। गाइज मैंने इतनी बकचोदी की है ना कि मेरे 5 मिनट हो गए पता है, ये बोलते बोलते इतना पता नहीं क्या बोला है मैंने। हाँ तभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ। टाइम क्या हुआ है अभी, 11 बजे, 11:03 है। हाँ 11 बजे मेरे सोने का टाइम होता है फिक्स, तो 11 बजे मैं सोने वाली हूँ और सुबह फिर 5 बजे उठने वाली हूँ। तो मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी अलार्म नहीं बजी और अभी बज गए हैं 7:30। पता नहीं क्यों नहीं बजी, वो मुझे नहीं पता। चलो कोई ना, ये अपने 3 घंटे मैं दोपहर में कवर कर लूँगी। मुंह में से बात आ रही है मेरी। भाई इधर देखना, चलो उठ जाते हैं यार अपन तो। यार 5 बजे उठ नहीं सके मैं, अलार्म क्यों नहीं बजी तो मुझे नहीं पता यार। चलो मुंह मुँह धोते, ब्रश ब्रश करते हैं तब तक। चलो टेरेस पे जाते हैं, टेरेस पे। ठंड है यार, सनराइज हो रहा है बस। ये मस्त और अभी लगी है मुझे वाटी, मिलती हूँ। तो गाइस मैं अभी बनाऊंगी अपनी स्पेशल चाय, अभी बना रही है मम्मी, क्योंकि मम्मी और पापा ब्लैक टी पीते हैं। ब्लैक टी वाली अम्मी अम्मा मेरी मम्मी भी नींद में सर उठी है। आज संध्या है, वो सोची ओम नहीं खाली अलार्म नहीं आता। मैं चाय बना के ऊपर जाऊंगी और ऊपर जाके फिर सिनेमैटिक चुसीन वगैरह बोलूंगी, दिखावे के लिए। देखो रुचिका ये जय अभी तक नहीं उठी, अभी 8 बजने में 10 या 9 मिनट ही बाकी है, वो अभी तक नहीं उठी। और मैं भी इसी टाइम उठती हूँ, उठती थी
जब ये उठेगी तब मैं भी उठती है, पता है। ए भाई, ए भाई, कितना कितना लिपट के सोई है यार, देखो तो। 8 बज गए, उठ, बाल देख तेरा तार जैसे हो गए। मुझे भी नहीं उठता ये लोग, ये लोग क्या, मैं भी इसी में आती यार। मैं भी इसी में आती। अभी अपन अपनी चाय बनाते हैं। गाइस मैंने 1 कप चाय के लिए 2 इलायची लिए, तो मेरी मम्मी क्या बोलती है पता है? वही बोलना मम्मी, एक बार वापस बोलना मम्मी, मम्मी सभी चाय पीने दो, चाय पीने दो। मेरी मम्मी कहती है 1 कप में, 1 कप में 2 इलायची ली जाती है, मतलब मारवाड़ी में बोला है। तो यार ये तो है मेरी स्पेशल चाय। मेरी चाय है रेडी, बहुत अच्छी चाय बनी है यार, बहुत अच्छी। मैंने टेस्ट नहीं की, लेकिन बिना टेस्ट के मेरे को पता चल जाता है स्मेल से। ये टूटे हुए मग को इग्नोर करना आप, ये मेरे भाई का मग है और तोड़ा भी मैंने ही है। मेरा भाई जब ये व्लॉग देखेगा तो मुझे बहुत सुनाने वाला है कि मेरा मग क्यों लिया तूने। खैर उसको इग्नोर करेंगे, बना गया। मेरा भाई बोलेगा आजकल बहुत इग्नोर इग्नोर चल रही है तू। अभी पी लो चाय। गाइस ये मेरे मैले जैकेट को आप इग्नोर करना, क्योंकि हम वक्त वक्त पे धोते ही नहीं है इसे। आलसी लोग जो है ना, क्या धुआं जा रहा है, ठंड बहुत। मैं तो नहीं नहाने वाली, मेरा यही सीन रहता है। बाकी मैं डेली नहाती हूँ, डेली भगवान जी की पूजा करके फिर स्कूल जाती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं नहाने वाली यार, ठंड है। आई नो मैं आपको बोर कर रही हूँ यार, मैं नहीं चाहती आपको बोर करूँ। एक बात और बता दूँ कि मैं ना अपने घर पे एक काम भी नहीं करती, पता, एक भी काम नहीं करती। सिर्फ एक काम करती हूँ, वो शाम के बर्तन धो देती हूँ, रात के, आई मीन शाम के, रात के, वो जो भी है। बाकी मैं काम नहीं करती, और मुझे करवाते भी नहीं है घर वाले, वरना पहले मैं काम करती, लेकिन अभी नहीं करती, मैं नहीं करती, नहीं करती। ये भाई छोटी बना, छोटी छोटी बनानी है मेरी। पीछे कपड़ों का ढेर दिख रहा होगा। उठ, तेरा इसका बलिया, इसका बलिया है यार। ये लीली, ये लीली, लीली 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 पापा, छोटी बना। ये सब डलेगा डलेगा डलेगा। ये क्या हरकत है तेरी? पागल हो गई मैं। गाइस मैंने अपनी बहन को बोला था कि अभी अपन जो भी व्लॉग में करेंगे वो सब रियलिटी दिखाएंगे। पहले भी हम लोग रियलिटी दिखाते थे, लेकिन इतना नहीं, लेकिन अभी सब रियलिटी दिखेगी। अब चाहे भाई दीदी सुबह सुबह जो शक्ल होती है वही तो बताई है मैंने, मेरी भी सुबह सुबह जो शक्ल होती है मैंने वो बता दी। तो बना फटाफट, तेरी शक्ल है क्या कोई हीरे जैसी?
हैं पीछे बर्तन का ही। ये कितना मस्त लग रहा है ना, एकदम एकदम पॉइंट पे हुआ है गाल के। जी आज मेरे 3 घंटे वेस्ट हो गए। जी 3 घंटे वेस्ट। मेरे को ये मस्त लग रहा है यार, ये परमानेंट के लिए होना चाहिए। हाँ एक जना ने मेरे को पूछा था कि आप अपने पापा के साथ व्लॉगिंग क्यों नहीं करते। मैं अपने पापा के साथ व्लॉगिंग नहीं करती यार, जब थोड़ा अच्छा ग्रो हो जाएंगे उसके बाद में मैं पापा के साथ व्लॉगिंग कर सकूँगी, लेकिन अभी अभी शर्म आती है और हो सकता है मेरे पापा मेरे को टोक भी दे बीच में, तो बाल निकाल। देखा लोग मेरे बालों को पहचान भी लेते हैं। तो मेरे पापा के साथ में मैं अभी व्लॉगिंग नहीं करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है और थोड़ी थोड़ी शर्म भी आती है पापा के सामने। तो यार मैं नहीं करती पापा के सामने व्लॉगिंग, नहीं करती, बस नहीं करती। हेयर बैंड મારી બેન આજે મહેલ મેં સૂતી હે, અમે સૂતી હે સોડી બનાવવા વાસ્તે, મેં હેર બેલ દેખી હે મમ્મી, મા હેર બેલ, માતા મેં ઘાલવારી વ્હાઈટ કલર ની પટ્ટી, ઓ અદરી હંબલન મિલે मम्मी के आप घर में लीली कुछ दिख नहीं रहा गाइस, मेरे नंबर और बढ़ गए पता है चश्मों इसके, और मेरे सिलेंडर नंबर है और छी बाल मैं रेडी हो गई हूँ, अभी बस एक कमी बाकी है वो टीका। टीका लगाने के बाद मैं एकदम परफेक्ट रेडी हो जाऊंगी। लिली से हाय, हाय गाइस, बोले कि तू प्यार में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ने लगा था पूरा हाल सब कमाल, आगे नहीं आता। चॉकलेट का रैपर, इसको रैपर बोलते हैं रैपर बोलते हैं, आई डोंट नो। मेरी इंग्लिश वीक है गाइस, और आने वाले टाइम में मैं अपनी इंग्लिश अच्छी कर दूंगी, फिर आप लोगों से मैं इंग्लिश में बात करूंगी। ये चलो जी गाइस, मेरे मोजे धोए हुए नहीं है तो आज मैं मोजे नहीं पहनने वाली, मोजे को बोलते हैं सॉक्स। आई एम नॉट वेयरिंग सॉक्स टुडे, समझ लो। उठ गया मार्विन, मेरा व्लॉग चालू था इसलिए इसने मेरे को मारा नहीं, वरना ये मारते टाइम नहीं करती। मम्मी मैं इंग्लिश में वर्ड बोल रही हूँ, बोले रही हूँ नो हिंदी में मतलब बताओ। लेकिन फिर भी तू कब आर्जे पर, आई एम नॉट वियरिंग सॉक्स टूडे, मैंने मारी इंग्लिश सही नहीं है। टीका टीका टीका, मारी इंग्लिश सही नहीं है आप समझ लेना। मन समझ में नहीं आती कोई चीज़ का, आई बोल आई एम
I am wearing socks. Wearing socks. Today. बोल मैं आज मोजे नहीं पहनने वाली बिकॉज मेरे मोजे नॉट धुलिंग yesterday. अरे टीका इस अंगुली से लगाया जाता है. मम्मी आगे हवेली हमारी शक्ल नहीं होता हमारी. गाइस रियलिटी के साथ जियो. ये मेरी बहन फिल्टर के साथ जीती है आज के जमाने में. हाँ ये वाली कल पता नहीं कैसा लगाई थी इसने, इतना बड़ा टीका लगा दिया था. टीवो रख के अंदर. तो मैं खाना नहीं खा रही गाइस क्योंकि मेरा हाफ डे ही है और मुझे सब्जी भाती नहीं है ना. मेरा हाफ डे ही है तो मैं फटाफट आ जाऊंगी, आने के बाद खा लूंगी. सब्जी नहीं है अच्छी यार, वालोरिया मन नहीं पसंद. आविन खाओ. चल चल तू तो अपनी, मैं तुझे पहचानूंगा. पीछे आप इसे इग्नोर करना यार, मैं आपको सारी चीजें इग्नोर करने को कह रही हूँ. एक काम करना, आप व्लॉग ही इग्नोर कर देना. भैया सही है हमारे घर. पूजा जी समेटेगी कपड़े. ये पूरे दिन क्या करती है तू? पूरे दिन पढ़ाई करती है. पढ़ाई मम्मी इतना हाँ मम्मी क्या बोली है? कुछ नहीं करती. बड़े बड़े वाट को साफ ही है. तो गाइस मैं आपको स्कूल से आने के बाद मिलती हूँ. ठीक है काटा बाय बाय. तो गाइस मैं आ गई हूँ घर. मम्मी बहुत थक गए यार. अभी टाइम हुआ है 1 बजे. तो मैं आपसे मिलती हूँ अपना चेंज करने के बाद में. मेरा व्लॉग बोरिंग क्यों हो रहा है यार? मेरा हाफ डे कंप्लीट हो चुका है, 1 बजे छुट्टी हो गई है. Now it's time for study. तो अभी गाइस बजा है 1 और मैं आपसे मिलती हूँ 4 बजे. ठीक है तब तक के लिए बाय बाय. मैं कब से यही बोल रही हूँ बाय बाय. सुबह से लेके अभी तक मेरे जो भी जितना भी ब्लॉग किया उसमें यही बोला है, उसके बाद मिलती हूँ बाय बाय, उसके बाद मिलती हूँ बाय बाय. तो मैं मिलती हूँ 4 बजे. खोले नहीं.
गाइस 4 बजने ही वाले हैं, उससे पहले ही मेरा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। 3:42 हुई है, मेरा लेक्चर ख़त्म हो चुका है अभी। मैं जा रही हूँ अपने नोट्स की प्रिंट निकलवाने। शर्म आने वाली है मुझे, पता नहीं क्यों मुझे अपने एरिया में शर्म आ जाती है व्लॉगिंग करते टाइम, तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही। तो मैं अब इस घर पे आने के बाद मिलती हूँ आपसे। मैं जाके आ गई हूँ और उन्होंने बोला है कि आप 6-7 बजे तक आ जाना लेने, तब तक आपकी निकल जाएगी प्रिंट। मेरी बहन अभी तक अपनी फाइल बना रही है। 8 नंबर भुलैया, मेरी बहन अभी तक अपनी फाइल बना रही है। इसके भी एग्ज़ाम्स है, वो नहीं पता मुझे कब है। सभी ना मुझे एक प्रैंक सूझा है, मैंने क्रीम वाला ओरियो बिस्किट लाया है और मैं मतलब जीजी के सामने ऐसे खाने का नाटक करूँगी। एक ओरियो मैं खाऊँगी, ठीक है, उसके बाद मैं जो सेकंड अपना ओरियो होगा उसके अंदर मैं क्रीम को निकाल के कोलगेट डालने वाली हूँ और फिर वो मांगेगी तब वो वाला बिस्किट मैं उसे दूँगी। मुझे सही एक ही संभाली, एक ही संभाली ले ली, ए ले ले, ऊपर कर, ऊपर ऊपर कर, आ ले ले, खड़े खाऊंगा। अच्छा है, नव ब्रांड नहीं हुआ देख, वो दूसरा हुआ कोई। हमारी सिंगल हुई है, कैसा लगा ना? अपनी मम्मी को भी खिला देती हूँ, मम्मी खाती कि नहीं खाती देख। बिस्किट सही, बिस्किट सही, ओरियो ओरियो टेस्ट करो, खा लो टेस्ट, अरे टेस्ट मलिया को तो मेरे बेटा भी फिर मैं कम की तो मलि हुई तो मेरे बेटा भी बता कोई मलि हो रही ना।
तू क्या नाम कालू कालू पर टूथपेस्ट तू टूथपेस्ट अब तो भी नहीं जा रहा है जेस अरे ये खोलियो जेस नहीं तो यो यार तेरे क्रीम नहीं बैठे कर यार नहीं के ताजा ताजा क्रीम की कर यार ये रियल रियल ओरियो और रियल है ये ओरियो मारी है मुझे पाल तो मम्मी ने बेच नहीं मने मारी है तो ये ओरियो ओरियो है और रियल नहीं है डुप्लीकेट है तो ये कतरु गड़िया ना के यार तो मैंने इस पर अभी 6 बजे है 6 बजे से लेके 8 बजे तक मैं अपनी वापस स्टडी पे लगूंगी और अभी मैं अपनी बॉटल जो बॉटल गाइज 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 मेरे 6 घंटे का टारगेट हो गया है और अभी मुझे सिर्फ अपने 2 घंटे और पढ़ना है मेरा 8 घंटे का टारगेट हो जाएगा और आज मेरा रिवीजन इंग्लिश में कंप्लीट हो जाएगा ये तो अभी मैं वापस बैठ गई हूँ अभी 9:41 हुई है देखते 11:30 बजे तक मेरा हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल मेरी एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं कल का भी व्लॉग बनाने वाली हूँ तो अभी के लिए बाय बाय